विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में राजनीतिक पारा काफी हाई है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी चुनावी नारों ने न केवल राजनेताओं को फंसाया बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बीजेपी गुट के दो ऐसे नारों के बारे में बताएंगे जिसका विरोध विपक्षियों के साथ सत्ताधारी गुट ने भी जमकर कर दिया। इसके साथ ही आपको बताएंगे इस पर विपक्षी नेताओं के बयान भी सुनवाएंगे जिन्होंने कड़ी निंदा की, लेकिन उससे पहले सीएम योगी के उस नारे को सुनिए जिस पर विपक्षियों के साथ खुद सत्ताधारी अब बटे हुए नजर आ रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का साथियों था। तो सुना आपने, दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नारा महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान दिया था जिसका शोर अभी तक जारी है। इस नारे का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने एक और नारा दे दिया, एक है तो सेफ है। इन दो नारों पर जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने निशाना साधा, वहीं महायुति के अंदर ही अपनों ने ही चुनाव अभियान की धुरी ही बना दिया इसे। अब इस नारे को लेकर महायुति और बीजेपी में भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। महायुति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार ने पहले इस नारे का विरोध किया। अब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में इस नारे की जरूरत नहीं है। पंकजा मुंडे ने एक अंग्रेजी दैनिक के साथ बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत नहीं है, हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि विकास ही असली मुद्दा है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने कहा कि नेता का काम है कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे, हमें महाराष्ट्र में इस तरह के विषय नहीं लाने चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ये यूपी के संदर्भ में कहा था जहां अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनकी बात का वही अर्थ नहीं है जो समझा जा रहा है। पंकजा मुंडे ने कहा कि पीएम मोदी ने बिना जाति धर्म देखे सभी को राशन, आवास और सिलेंडर दिए हैं। पंकजा मुंडे ने सीएम योगी के नारे से किनारा किया तो साथ ही पीएम मोदी की योजनाओं का जिक्र कर बीजेपी की लाइन पर ही खड़ी नजर आने की कोशिश भी की। गौरतलब है कि पंकजा मुंडे से पहले महायुति के घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के प्रमुख अजीत पवार ने भी सीएम योगी के इस नारे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो अब सवाल यह है कि जिस चिंगारी वाले नारे से विपक्षियों को जलाने में सत्ताधारी लगे हुए थे, वही चिंगारी अब उनके खुद के घर में भी फूट डालने का काम करती हुई नजर आ रही है। अब जान लीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अजीत पवार ने क्या कुछ कहा था। अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की बातें यहां नहीं चलेंगी, ये यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। महाराष्ट्र साधु संतों का, शिव प्रेमियों का और शिवाजी और अंबेडकर का है, उनकी सिखाई बातें हमारे खून में हैं, हम उसी रास्ते पर चलेंगे, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर खड़गे, संजय राउत, अखिलेश समेत तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना, किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? एक 140 करोड़ जनता को काटेंगे? ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है, पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक हाई तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में,
और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। तो सुना आपने सभी नेताओं को, सभी ने इस नारे का विरोध जताया, इसके साथ ही सभी ने बीजेपी को घेरने का काम किया है। अब 23 नवंबर को देखना होगा कि नारों के सहारे जनता पर किसका सिक्का चलता है और किसका नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।